वेलकम टू मुंबई में है किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने रमज़ान स्पेशल चिकन और आलू का रोल बनाई थी। बहुत ही कॉम्बिनेशन, बहुत ही मस्त था। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1 बड़े कांदे को इस तरीके से बारीक चॉप करके लिए है, ये डाल देंगे। इसके अंदर फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ पिंकिश कलर करेंगे। अब हमारा कांदा अच्छे से फ्राई हो गया है, बस इस तरीके से ही फ्राई करना है, ज्यादा गोल्डन ब्राउन कुछ नहीं करना है। 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर लिया है और नमक स्वाद अनुसार लिया है। आपके पास अगर गार्लिक का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें गार्लिक का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट लिया है, ये भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 किलो चिकन और 1/4 किलो आलू है, उसके हिसाब से हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक शिमला मिर्च को हमने इतना बारीक काट के लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाला अच्छे से भून रहा है। अब हमने 1/4 किलो चिकन लिया है, इस चिकन को हमने उबाल कर अच्छे से श्रेड करके लिया है और उबालने में कुछ भी नहीं डाली थी मैंने, सिर्फ ऐसे ही उबाल ली हूँ प्लेन पानी में। अब इसको डाल देंगे हम, ये 1/4 किलो चिकन है और इस चिकन को अच्छे से हम मिक्स कर 5 मिनट हमने इसको भून के लिया है चिकन को। आलू को अच्छे से हमने उबाल लिया है, ये 1/4 किलो आलू है, इसको ग्रेट करके लिया है, ये डाल देंगे इसके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने 10 मिनट अच्छे से इसको भून के लिया है मसाले के साथ आलू को। अब इसको ठंडा कर देंगे फिर बताएंगे। अब हमने एक बाउल लिया है और ये बाउल में ये जो बैटर है इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसा करेंगे। आजकल बाजार में जो आलू आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो चिपचिपे रहते हैं, इसके वजह से मैं इसमें 50 ग्राम ब्रेड क्रम डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप ब्रेड को पीसकर अच्छे से बारीक पीसकर इसमें डाल दीजिए। मैं 50 ग्राम डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मेरे हाथ को जरा लग गया है इसलिए मेरी बेटी को बोल। अब हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने एक बाउल लिया है और 2 मैदे लिए हैं और ये मैदा इसमें फोड़ देंगे हम। अब हमने 2 मैदे जो थे उसको फोड़ के लिए है। इसमें पिंच ऑफ हम ब्लैक पेपर डालेंगे। अब पिंच ऑफ हम इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम, अब अंडे को अच्छे से हमने फेंट के लिया है, अब इसको साइड में रख देंगे। अब हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें कोथमीर डालेंगे हम और इसको कोथमीर डाल के भी अच्छे से बैटर को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब इसके रोल बनाएंगे हम, इतना पोर्शन उठाएंगे और उसको अच्छे से, अब इसको इस तरीके से हम इसको गोल कर दिए है और इसको इस साइड से हम है ना अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा दबा देंगे और ऐसे ही सब बनाकर आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे बन गया ये, और जरा भी चिपचिपा नहीं है। आलू नया है और हमने ब्रेड क्रम डाला तो जरा भी चिपचिपा नहीं है। अब सारे बनाकर आपको दिखाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से बना दिया, देखो इस तरीके से बनाने का। और हमने 1/4 किलो चिकन और 1/4 किलो आलू लिया था तो उसके 19 ये रोल बन गए हैं। आप अगर चाहो तो महीना भर के लिए इसको फ्रीजर में, डीप फ्रीज में रख सकते हैं जिप्लॉक बैग में डालकर। अब हमने जो ये रोल बनाया है उसको अंडे में डीप करेंगे। अच्छे से अंडे में डीप कर इसको ब्रेड क्रम में कोट करेंगे, अच्छे से इसको इस तरीके से कोट करने का। और हम डबल कोट करेंगे इसको, डबल कोट करेंगे तो कुरकुरित बनेगा। अच्छे से हमने कोट कर दिए। अगर आपको और ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो और एक बार इसको कोट करने का अंडे में इस तरीके से, और फिर उठाकर इसको ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर देने का, अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो। और अगर आपको क्रिस्पी नहीं चाहिए तो सिर्फ एक ही बार अंडे में डिप करके आप ब्रेड क्रम लगा के साइड में रख सकते हैं। अभी सारे हम इस तरीके से ही लगाकर आपको दिखाएंगे। अब सारे रोल को हमने ब्रेड क्रम लगा दिया। ये जो रोल है चिकन के उसको फ्राई करेंगे हम। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे। अब रोल अच्छे से फ्राई हो गया है 2 मिनट, अब हम इसको पलटी कर देंगे। अब हमने 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर दिया है, अब इसको हम निकाल देंगे। अब चिकन आलू रोल बनकर रेडी है, अब हम डिश आउट करके आपको बताते हैं। रमजान स्पेशल चिकन आलू रोल बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे याद रखो। अल्लाह हाफिज़।